हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम केदारनाथ पंजियार और हमारे साथ आप जुड़े रहे। अभी हम चौरचन का कुछ मुहूर्त पूजा जो हुआ है, चौरचन तीज और चौरचन दोनों एक ही साथ है। आज उसका हम कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं और उसका कुछ बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे बिहार में जो है ढेर सारा पवनी है जो आपको हम इससे पहले वीडियो में आपको चर्च किए हुए हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि चौरचन पूजा का जो है कितना नियम से किया जाता है यहाँ पूजा। ये आप सारा देख सकते हैं, ये सारा जो चढ़ाया गया है यहाँ, और जितना भी प्रसाद है ये सब सारा चढ़ाया गया है यहाँ। तीन आदमी का यहाँ प्रसाद चढ़ाया गया है। और हमारे कुछ केदरावासी, हमारे कुछ गेस्ट भी आए हैं जो हमारे भाभी हैं और हमारे साले साहब हैं, और ये हमारा सबसे प्यारा मेरा बेटा है ये, जिसका नाम प्रियंशु है। तो हमारा प्रियंशु बेटा है ये, हमारा पहली बार यहाँ खड़गपुर में आया है। और इस बात के में यहाँ तो पहला पवनी है मेरा यहाँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि 2 महीना पहले हम यहाँ आए किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला पर्व मेरा यहाँ छठ हुआ, मेरा यहाँ हुआ है चौरचन। मैं आपको सारा जानकारी मैं दूँगा आपको। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम खूब बढ़िया से हुआ गया है, क्योंकि ये भी साल में एक ही दिन आते हैं तो बढ़िया से ही किया जाता है इसमें, क्योंकि आज चौरचन और तीज दोनों साथ ही हैं। अब देख सकते हैं, और मुन्नी जी का जो मेहनत पूरा सफल हुआ है पूजा में, क्योंकि आज उसका व्रत था। और अदिति कुमार अबराय और कृष्णा अबराय दोनों खूब ढेर सारा मेहनत किए हैं, और हम 6 बजे के बाद आए हैं तो यहाँ लाइट का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लाइट है वो कट गया है, क्योंकि हम नहीं आ पाए थे। ये हमारे साले साहब हैं, ये सलाम को बहुत नाटक किया है, ये बहुत ज़्यादा नौटंकी आज कर दिया मेरे साथ। ये इनको आप देख सकते हैं, ये हमको दिक्कत करेंगे अभी। ये अभी हम इनके बारे में कुछ बुराई किए हैं, ये सलाम को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इकलौता साला है, क्या करेंगे, सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिया जी का काम है सुनना, साला का काम है बोलना, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पूजा, ये पूजा कितना अच्छा हो रहा हो गया। और हम सारे आदमी अभी प्रसाद खाएंगे, 5-6 आदमी जितने भी सदस्य हैं अभी हम सारा आदमी खाएंगे। और पूजा बहुत बढ़िया से हुआ, ये हमारे खड़गपुर का कुछ माहौल है जो रात होने के बाद आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये वो सामने भी जहाँ अभी लाइट जल रहा है, ये वहाँ हमारे मकान मालिक है, जो तो आपको सारा चीज़ जानकारी है ही, क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ अभी खड़गपुर के बारे में आपको बता चुका हूँ, और आप देख भी चुके हैं और जानते भी हैं कि केदार भाई आपका यहाँ डेरा में रह रहे हैं, यहाँ खूब सारा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ठीक से हो ना, हमारे मकान मालिक ही जो है बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये सारा हमारे जो घर का बच्चा है वो सारा प्रसाद खाएंगे, और तोड़ के पहले प्रसाद खा चुके हैं केले के पत्ता पर से। अब इन लोग को कुछ नया स्टाइल का बच्चा सब है हमारा, क्योंकि इन लोग को तो केला पत्ता पर नहीं होगा, हम लोग तो खा लेते हैं। तो अदिति थोड़ा सा इधर हो जा तू, क्योंकि मामी को दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप दोनों तीनों आदमी का जो थाली लगेगा, आप तीनों आदमी अपना आराम से प्रसाद खाएंगे, हम लोग जितना भी सीनियर बच्चा है वो बाद में एंजॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारा पूजा का सब प्रसाद अब खाने के लिए शुरू होंगे, क्योंकि सबका थाली लग रहा है यहाँ। हम दिखाने जा रहे हैं कि थाली में क्या क्या जा रहा है, कि जितना भी प्रसाद है सब जो है चालू होगा। अच्छा, पूरी है, मलपुआ है, खीर है, ये साग है। अब ये देख सकते हैं, अब ये सारा बच्चा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, सारा बच्चा प्रसाद खा रहे हैं और भाभी भी इसको दे रहे हैं अपना, ये देख रहे हैं।